अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये मेरी थर्ड वीडियो है। जब हम शारजा से निकले थे और हम जा रहे हैं जबल अली E311 रोड को यूज़ करते हुए, तो आज हम मैप गूगल की जगह पे वेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन बना रहे हैं कि इस रोड से ये वेज वाला मैप कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करता है आपके साथ, और उसके अलावा कि कौन कौन से एग्जिट हैं मेन जिनको आप यूज़ करके किस किस एरिया में अप्रोच कर सकते हैं, उसके अलावा जो है कि इसमें कौन कौन से की एरियाज़ हैं इन रोड पे, अगर आप जा रहे हो तो आप उन रोड एरियाज़ को विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जिस एरिया से गुजरे हैं आपको पता है वो है था ग्लोबल विलेज, जो मेरी पिछली वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके हो। अभी जिस एरिया को हम अप्रोच कर रहे हैं ना, ये एरिया है डिस्कवरी गार्डन का। ठीक है, क्या किस कौन सा एरिया? डिस्कवरी गार्डन का एरिया। अच्छा, मैंने आपको जब अलैन रोड का एग्जिट आया था तो मैंने बताया था कि अब आपको एग्जिट काफी दूर मिलेगा, तकरीबन ऑलमोस्ट 7-8 मिनट हो गए मुझे ड्राइव करते हुए, तकरीबन 20-25 किलोमीटर के बाद ये नेक्स्ट एग्जिट हमें मिलने वाला है। अभी ये एग्जिट है उम्मे स्कीम, इसको एग्जिट बोलते हैं। ये एग्जिट यूज करते हुए आप जा सकते हैं मॉल ऑफ एमरेट्स, जो मेन है दुबई हिल्स मॉल, ठीक है, जो मेन है। उसके बाद आप अलकूज जा सकते हैं, उसके बाद आप अलबर्शा जा सकते हैं, उसके बाद आप दुबई मोटर सॉरी ये वो जो है दुबई ऑटोड्रोम, उसमें जा सकते हैं जिधर वो रेसिंग वगैरह होती है, और उसके बाद आप अल कुदरा जा सकते हैं, ठीक है, और आप जा सकते हैं दुबई, इसका क्या स्टूडियो सिटी और समथिंग कुछ ऐसा है उसका नाम ना, दुबई स्टूडियो सिटी समथिंग ऐसा है, आप मुझे याद नहीं आ रहा, प्रोडक्शन सिटी है वो भी एरिया, आप इसमें जा सकते हैं, स्टूडियो सिटी है दुबई, स्टूडियो सिटी में जा सकते हैं। हाँ ठीक है, ये देखें, ये एग्जिट है एग्जिट 30-30, ये लिखा हुआ है उम्मे स्कीम स्ट्रीट, जमेरा भी आप जा सकते हैं, अल कुदरा स्ट्रीट, मदीना तुल कुदरा, जो वो कुदरा लेक्स है ना उसके लिए भी आप ये वाला ही एग्जिट यूज करते हैं अगर आप E311 पे आ रहे हैं। अगर 611 पे आ रहे हैं तो जाहिर है उसका डिफरेंट है, और अगर E11 पे आ रहे हैं तो उसका डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ये उम्मे स्कीम स्ट्रीट भी उसको बोलते हैं, कुदरा स्ट्रीट भी बोलते हैं, तो ये एग्जिट 30 आपने पकड़ लेना है। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अभी इसके बिल्कुल जो राइट साइड पे है ना वो है गार्डन ग्लो समथिंग कुछ, इसका नाम है ऐसा कुछ ना कुछ, इधर फूलों का बना हुआ है पार्क, जिधर फूलों के डिफरेंट जगह बनाई हुई है ना उन्होंने, उसका नाम क्या है अभी मुझे अभी आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये खत्म कर दिया पार्क, चलिए देख लेते हैं, उसका नाम है मेरिकल गार्डन, सॉरी मेरिकल गार्डन, जो मेरिकल गार्डन है ये, और ये जो एरिया है इसका नाम है अरजान, अरजान, और जिसमें है मेरिकल गार्डन। ठीक हो गया, इधर अभी काफी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, ये दुनियोब वाले बना रहे हैं अपनी कोई बिल्डिंग। ठीक है, ये इसके बाद एग्जिट मिलता है आपको हिस्सा स्ट्रीट, स्ट्रीट भी बोलते हैं, हिस्सा स्ट्रीट भी, एग्जिट नंबर 28 है। ये एग्जिट आप यूज करेंगे अगर आपने पाम जमेरा जाना है, सॉरी, तो ये एग्जिट आपको बेस्ट है उस जगह पे लेके जाने के लिए। ठीक है, जो हिस्सा स्ट्रीट वाला एग्जिट है ना पाम देरा में जाने के लिए नंबर 1 ये एग्जिट है आपके लिए। ठीक है, 28 एग्जिट नंबर है। ठीक है, और इधर आपको मिलता है जमेरा विलेज ट्राइंगल और जमेरा सर्कल ट्राइंगल, जेवीसी और जेवीटी, ये एग्जिट देख लें 28, अगर आपने जमेरा जाना है या मरीना भी इस एग्जिट को यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर है कर्नल सबका वाला एग्जिट अगर आपने मरीना जाना है तो, लेकिन अगर आपने पाम देरा जाना है तो ये एग्जिट ज्यादा बेटर है आपके लिए, सॉरी पाम जमेरा जाना है तो। ठीक हो गया, अच्छा अभी ये जो सामने आपको एरिया नजर आ रहा है ये है जेवीसी, जमेरा विलेज सर्कल, JVC। ठीक हो गया, और ये आपको इसके बिल्कुल राइट साइड पे सामने जो आपको सॉरी लेफ्ट साइड पे सामने जो नजर आ रहा है वो है दुबई क्रिकेट स्टेडियम, और इस वाले को बोलते हैं स्पोर्ट्स सिटी और मोटर सिटी भी, ये जो एरिया है इधर एक स्पोर्ट्स सिटी और एक
मोटर सिटी है। उसके बाद ये जो एग्जिट 26 है ना, ये है अल खेल रोड का एग्जिट, ठीक है। इसका नंबर है E44, ये देखिए अल खेल रोड को E44 बोलते हैं। ठीक हो गया, ये आगे जाएगा या ये रोड पकड़ेंगे तो ये घूम के, ये जो इधर रासल को रोड था ये वो वाला रोड है, ठीक है। E44 जो नंबर इन्होंने अलॉट किया हुआ है ना, ये रोड इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है, E44 वाला। लेकिन ये रासल को रोड जब पहले आया था, मेरी पहली वीडियो दूसरी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, ये वाला एग्जिट है। और इस एग्जिट को यूज करते हुए भी आप दुबई माल जा सकते हैं। अब ये देखें, हम थोड़ा चेंज करते हैं सीन। पहले था आप शारजा से आ रहे थे तो आपको वो वाले एग्जिट थे, अब अगर आप अबू धाबी वाली साइड से आ रहे हैं तो आपको ये बेस्ट एग्जिट है कि आप सबसे पहले ये अल खैल रोड वाला एग्जिट पकड़े और आप दुबई माल चले जाएं या मरीना चले जाएं। मतलब हाल तो मैं भी हेडिंग टूवर्ड अबू धाबी हूँ, लेकिन अगर आप अबू धाबी से आ रहे हैं ना तो आपको दुबई माल जाना है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जिट होगा, सबसे पहला एग्जिट होगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल विलेज आपको पहले सबसे मिल जाएगा, वो आप जिस साइड पे आप जा रहे होंगे उसी साइड पे उसका एग्जिट है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आपने जाना है मरीना में तो आप आ रहे हैं शारजा वाली साइड से और हेडिंग टूवर्ड अबू धाबी है, तो ये जो एग्जिट 24 है ना, ये एग्जिट है मरीना के लिए, ये बेस्ट एग्जिट है कर्नल सबका वाला। और डिस्कवरी गार्डन के लिए भी आप इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं अगर करना हो तो, लेकिन आप वो मैं दूसरा एग्जिट बताऊंगा, वो एग्जिट पकड़ेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है। नीचे वाले ट्रैक में आपको सिर्फ ये एग्जिट दिखाने के लिए आया था, तो मैं एक ट्रैक ऊपर हो जाता हूँ ताकि फॉर्मेशन ज्यादा क्लियर आती है, ठीक है। ये एग्जिट कर्नल सबका वाला मरीना जाने के लिए बेस्ट, क्योंकि ये सीधा आपको मरीना में ही एंटर करवाएगा, उधर आपको मिल जाएंगे साइन बोर्ड में कि आपने लेफ्ट होना है राइट होना है, वो अपने एरिया के हिसाब से या जो मैप आपको बता रहा हो उसके हिसाब से आपने चूज कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये कर्नल सबका वाला एग्जिट 24 टाटा बाबा हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास जो आगे एग्जिट आएगा ना, वो एग्जिट है जबल अली का, ठीक है, जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया, जबल अली पोर्ट। तो ये देखिए, मैं अब क्योंकि मेरा वो एग्जिट है तो मैंने एक एक ट्रैक नीचे कर लिया, ये देखें, ठीक हो गया, हम अपने एग्जिट को सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, मैप भी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर रहा है, कार स्टॉप इन 300। देखें ये जो है ना इसका, अब मैं देखूंगी ये गाड़ी स्टॉप है या नहीं तो मैं फिर कंफर्म कर दूंगा। ये देखें, नीचे मुझसे पूछ भी रहा है कि ये है या अभी खत्म हो गई है। ये जो वेज है ना, इसमें सेफ्टी ज्यादा है, लाइक ये आपको कैमरा बताता है, ये ऐसे नोटिफिकेशन देता रहता है, ठीक है। अभी देखें गाड़ी स्टॉप, ये कुछ नहीं थे। In 1 kilometer, exit right. Now's a great time to take a deep breath. देखें, अभी वो एग्जिट के लिए भी उसने मुझे ऊपर से एरोज बना दिए। ये देखें कि मैंने ये दो ट्रैक में रहना है, बाकी ट्रैक उसने मतलब उनको कलर उनका डिम कर दिया है, और तो उसने हाईलाइट कर दिए हैं कि ये दो ट्रैक मुझे एग्जिट करवाएंगे। ये अब मैं ट्रक की पत्ती के पीछे लगना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये ट्रक शायद ज्यादा लगाएगा। दो एरो नजर आ रहे हैं और मैप पे भी देखें दो एरो नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो वेज है ना इसका, ये सबसे अच्छा फीचर है, ये आपको ट्रैक एग्जिट राइट एक्टिव करवा देगा। अभी देखना, नाउ्स अ ग्रेट टाइम टू टेक अ डीप, अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है और हो सकता है ये ना उस तरह करे, लेकिन ये देखें 400 तीन ट्रैक है, तो ये देखें वीडियो में आपको तीन ट्रैक नजर आ रहे होंगे। एज यू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स, जो दो ट्रैक हैं, ट्राई टू लेट गो ऑफ एनी अर्जेंसी यू मे फील इन 200 मीटर्स, keep right as you maintain a safe distance from other vehicles, try to let go of any urgency you may feel, keep right as you maintain a safe distance from other vehicles, try to let go of any urgency you may feel, ठीक है। तो ये देखें, ये अब देखें उसने ये बता दिया कि आगे आपको तीन ट्रैक मिलने वाले हैं। अब ये देखें, ये तीन ट्रैक इधर तीन हुए कि नहीं हुए, और उसने बोला कि राइट वाला ट्रैक आपने नहीं पकड़ना, ये जो दो लेफ्ट वाले हैं इनमें जाएं, ये आपको सीधा जाना है,
in 1 kilometer. Exit right. Now is a great time to take a deep breath. इसमें आपके पास डाटा होना चाहिए. ये ऑफलाइन काम नहीं करता. पर इसका जो मेन इश्यू है वो है कि ये ऑफलाइन काम नहीं करता. अच्छा तो भी हमने ये जो लास्ट एग्जिट 22 पकड़ा है ये समय ने इधर आके दुबई फिनिश हो जाता है. उसके बाद आगे है कुछ एरियाज लेकिन 400 मीटर्स नहीं है. उसके बाद उसको दुबई साउथ एग्जिट राइट ठीक है. ये फाइन बोर्ड लगने हैं. नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू टेक अ डीप ब्रेथ. तो ये देखिए अल यास स्ट्रीट ये मेरे ऑफिस का एग्जिट है. तो मैंने ये एग्जिट पकड़ लिया. तो अभी ये जो आपको राइट साइड पे एरिया नजर आ रहा है ये फुरजान का एरिया. और इसके आगे थोड़ा जाएंगे तो आपको उसके बल्कि बैक साइड पे आपको डिस्कवरी गार्डन. राइट तो मेरी मजीद चैनल को तो सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है. कमेंट करके मेरी और अपने सर्कल में भी शेयर करना है. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़. इन 400 मीटर्स.